नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हाइलाइट्स पे। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार नुपुर दास ने अपने पद से दिया इस्तीफा। भू माफियाओं से जमीन खरीदकर 18 लाख की ठगी के शिकार हुए दंपति। धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर तृणमूल के निर्मल चंद्र रॉय ने भाजपा उम्मीदवार तापसी रॉय को हराकर जीत हासिल की। एनजेपी स्टेशन के फुटपाथ व्यवसायियों की परेशानी को लेकर INTTUC ने किया विरोध प्रदर्शन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार नुपुर दास ने कथित तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों के साथ कोलकाता में बैठक होने जा रही है। उस बैठक में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नुपुर दास को भी बुलाया गया है। विश्वविद्यालय के सूत्रों के अनुसार नुपुर दास बैठक में भाग लेना चाहती थी, लेकिन उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें रोक दिया। इस मतभेद के परिणाम स्वरूप उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार नुपुर दास ने कथित तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रथमत पदत्याग कथाटा नहीं आमार समस्या आछे। आमी पदत्याग करिनि, आमी आमार चार्जे छिलाम कयेक मासेर जन्य, आमी चार्जटा छेड़े दिएछि। আমার আসল জায়গা হলো এটা, যেখানকার আমি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আন্ডার গ্রাজুয়েট কাউন্সিল। আমি কিছু মাস ধরে আমাকে একটা এডিশনাল চার্জ দেওয়া হয়েছিল, দায়িত্ব। এই দায়িত্ব থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। এটা কিন্তু কোনো পদত্যাগ না, হ্যাঁ, এটা দায়িত্ব। দায়িত্ব থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। অনেকেই অনেক রকম কথা বলছে দেখা গিয়েছে। আজ তো শিক্ষামন্ত্রী বৈঠক ডেকেছিলেন রেজিস্ট্রারদের নিয়ে, কতগুলো জিনিস আমি ভীষণ ভাবে ক্লিয়ার করতে চাই। এক নম্বর হলো যে এটাও রটানো হচ্ছে, আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা কিন্তু ঠিক না। আমি নিজে সব মতে নিজে আমি আমার দায়িত্ব থেকে আমি অব্যাহতি নিয়েছি, এক নম্বর। দ্বিতীয় ব্যাপার যেটা, সেটা হলো 20 সেপ্টেম্বর আমার দায়িত্ব এমনি শেষ হয়ে যাচ্ছিলো, কামিং টিউজডে টু নেক্সট টিউজডে। प्रजातांत्रिक मोर्चा पर लगा ज्वाइंट फोरम प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला करने का आरोप। पुबंग चाय बागान में ज्वाइंट फोरम द्वारा आयोजित गेट मीटिंग शुरू होते ही सदस्य देपुंग पाखरियान और प्रजातांत्रिक मोर्चा के कार्यकर्ता आए और ज्वाइंट फोरम के प्रवक्ता सुनील रॉय, प्रभात रॉय, धीरज रॉय और प्रणय शेरपा पर हमला कर दिया। इसके लिए पुतुंग HPW शाखा ने रंगली थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुंगमा जुन चाहिँ घटना भयो, एउटा दुखदायक घटना हो अघि र यो जुन चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ किन हामीले राखेथ्यौँ भने, नामिङ टी गार्डन 8 महिना अगाडिदेखि नै बन्द थियो र यसमा जोइन्ट फर्म को माध्यमबाट चाहिँ यो टी गार्डन खुला भएको थियो र उहाँलाई चाहिँ स्वागत जनाउनु चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम राखेको थियौँ। अनि साथसाथै 101 जना जो चाहिँ कम्पनीले 101 जना जो चाहिँ 50 वर्षदेखिको उम्रको बस्यो भने मात्रै बगान खोल्छु भन्ने त्यो आदेश हुँदा चाहिँ हामीले 100 जना मान्छेलाई पनि हामीले राख्यौँ अघि, जसको चाहिँ 58 लागू भएको थिएन। जलपाइगुड़ी में धूपगुड़ी के निर्मल चंद्र रॉय ने भाजपा उम्मीदवार तापसी रॉय को हराकर जीत हासिल की। उनके जीतते ही जलपाइगुड़ी मतगणना केंद्र से सटे इलाके सहित बानरहाट और धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर आए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को खुशी मनाते देखा गया। हालांकि 5वें राउंड के अंत में बीजेपी तृणमूल को 800 वोटों से पिछड़ते हुए आगे निकल गई। बाद में 7वें राउंड में तृणमूल ने फिर पलटी मार दी, बीजेपी से घास फूल 2731 वोटों से आगे हो गए। तब से तृणमूल उम्मीदवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंत में तृणमूल के निर्मल चंद्र रॉय ने भाजपा उम्मीदवार तापसी रॉय को हराकर जीत हासिल की। शेष पर्यंत धूपगुड़ी वासीर आशीर्वाद, हमारे नेत्री ममता बंदोपाध्याय आशीर्वाद, हमारा शेष पर्यंत जयलाभ करल। আমাদের মার্জিনটা দাঁড়ালো 4355 ভোটে। কতটা খুশি? প্রথম দিকে তো প্রচন্ড টেনশন ছিল। না, টেনশন ছিল না, আমরা একটু পিছিয়ে ছিলাম, কিন্তু আমাদের আত্মবিশ্বাস ছিল সবারই যে আমাদের মূল জায়গাগুলো তখনও আসেনি গণনায়। আমরা কনফিডেন্ট ছিলাম, আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম এবং আমরা শেষ পর্যন্ত আত্মবিশ্বাসী থেকেই আমরা জয়লাভ করি। তাহলে বলা যেতে পারে জয়ের ব্যবধান 4300 আপনি বলছেন? 55, আমি যতটুকু পেলাম খবর, অফিসিয়ালি নয়। 4355 ভোটের ব্যবধানে সবগুলো মিলে
पोस्टल भोट सब मिले चुप करे। मिरिक में आज से 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो रही है। सूचना एवं संस्कृति विभाग दार्जिलिंग के तत्वाधान में आज मिरिक में 3 दिवसीय झावड़े नृत्य कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। मिरिक के पूर्व सैन्य भवन में आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभाग के लोक कलाकार भाग ले रहे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर शुरू की गई लोक आधारित कार्यशाला के मुख्य अतिथि वहां के शासक सुदीप्त देवनाथ थे। मिरिक महकुमा विशिष्ट अतिथि नेपाली सिनेमा जगत के वरिष्ठ नृत्य निर्देशक कमल राय कर्स्याङ के सूचना एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी भी वहाँ उपस्थित रहे। सिलीगुड़ी एनजेपी रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के नाम पर कुछ रेलवे अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए INTTUC न्यू जलपाईगुड़ी शाखा ने एनजेपी स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मालूम हो कि RPF अधिकारियों ने स्टेशन के पास अस्थायी दुकानों के सामने बैरिकेड लगा दिया है। इससे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में INTTUC नेतृत्व समेत कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में INTTUC NJP शाखा के अध्यक्ष सुजय सरकार ने कहा कि रेलवे स्टेशन के जनोद्धार के नाम पर कुछ रेलवे अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। তাদের দোকানের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে দিচ্ছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে উন্নয়নের পক্ষে আমরা উন্নয়ন চলুক, কিন্তু রেলকে এই গরীব মানুষগুলো সাথে তাদের যে পরিবার আছে পরিবারের কথা চিন্তা করে রেলকে আমাদের সাথে বসতে হবে। রেল যেটা মনে করছে যে কিছু অফিসার আছে এখানে, তারা ভাবছে যে মানে রেলটা তাদের নিজস্ব, এটা যে জনসাধারণের রেল এটা ওনারা ভুলে গেছেন। জনসাধারণের পয়সা দিয়ে রেল চলে, রেলকে কোনো উন্নয়নের পক্ষে আমরা উন্নয়নের কাজ করতে গেলে এখানে যে ব্যবসায়ী আছে, এখানে যে শ্রমজীবী মানুষ আছে, তাদের সাথে বসে আলোচনা করে কিভাবে উন্নয়নের কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য আমরা সহযোগিতা করতে রাজি আছি। কিন্তু রেলের কিছু অফিসার যারা কিনা এখানে তাদের ভাবছে এটা নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এটা জনসাধারণের সম্পত্তি নয়, তাই তারা যখন তখন ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যারিকেড করে তাদের দোকান আটকে দিয়ে তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে। এর প্রতিবাদে আমাদের আন্দোলন চলবে। INTTUC আমরা আজকের থেকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করলাম, আগামী দিনে আরও বৃহত্তর বিক্ষোভ কর্মসূচি আমাদের হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত রেল প্রশাসনের আধিকারিকরা আমাদের সাথে এসে আলোচনায় বসবে, আলোচনা করে তাদের উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে। दार्जिलिंग के साहित्यिक जगत के एक महान हस्ती का निधन हो गया। इस पर GTA चीफ अनित थापा ने कहा कि भारतीय गोरखाओं के महान योद्धा नरबहादुर दहाल यहूदी की मृत्यु की खबर से मैं सप्तम हूँ। हम सभी उनकी लिखी कहानियां और कविताएं पढ़कर नेपाली भाषा सीख रहे हैं। ऐसी कोई नेपाली छात्र नहीं है जो सिंगारे पाठ पदम की पेंसिल न पढ़ता हो। अनित थापा ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri 9434023813। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। नागालैंड स्टेट डी एर राखी बम्पर लॉटरी। पहले पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, दूसरा पुरस्कार 1 करोड़, तेसरो पुरस्कार 50 लाख, टिकट मूल्य मात्र 500 रुपया। रजित नोस और थुप्रे आकर्षक पुरस्कार हरू। ड्रॉ 9 सितंबर, याद रखनोस। पहले पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकट बाट। नागालैंड स्टेट डी एर राखी बम्पर लॉटरी। सपना हरुमा भरो रंग, डी एर राखी बम्पर संग।
भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड अ यूनिट ऑफ क्लब साइट टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड अ यूनिट ऑफ क्लब साइट टूर्स एंड ट्रेवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुँचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। दवाओं से GST हटाने समेत कई मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का 19वां राज्य सम्मेलन सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया। राज्य सम्मेलन में पहले सिलीगुड़ी के हिलकर रोड एक पर एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। 19वां राज्य सम्मेलन बाबा जतिन पार्क में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में CPIM के सचिव मोहम्मद सलीम, सिलीगुड़ी के पूर्व विधायक अशोक भट्टाचार्य और अन्य उपस्थित रहे। सम्मेलन में GST वापस लेने और दवा की कीमत कम करने समेत कई मांगों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही अगले दिन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। धूपगुड़ी उपचुनाव में जीत के बाद सिलीगुड़ी में तिरमूल की विजय उत्सव। धूपगुड़ी उपचुनाव में परिणाम घोषित होते ही सिलीगुड़ी सहित पूरे उत्तर बंगाल में तिरमूल कार्यकर्ता का उत्साह चरम पर है। आज दोपहर 3 बजे सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर दार्जिलिंग जिला तिरमूल युवा कांग्रेस की ओर से विजय उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में दार्जिलिंग के जिला तिरमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष निर्णय रॉय की अगुवाई में भारी संख्या में कार्यकर्ता इस विजय जुलूस में शामिल हुए। আপনারা সবাই জানেন গত 5 তারিখে ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচন ছিল। ওখানকার যে বিজেপির MLA ছিলেন তিনি প্রয়াত হয়েছেন। এই যে শত কুচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে, এটা যে শুধু মিডিয়ার মাধ্যমে কুচ্ছা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বদনাম করার যে চেষ্টা, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের যে চেষ্টা, সেটা আজকে প্রমাণ হলো। প্রায় 5000 ভোটে ধূপগুড়ির মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত প্রার্থীকে জয়লাভ করিয়েছেন, করিয়ে বিজেপি নামক ক্ষতিকারক পার্টিকে আজকে আমরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছি। আজকের এই জয় প্রমাণ করে তোমাদের বিদায় ঘন্টা বেজেছে 24-এর। তোমাদের দেশ থেকে বিদায় নিতে হবে। তোমরা যতই দেশের নাম বদলাও, নিজের নাম বদলাও, লোক তোমাদেরকে আর ছাড়বে না। 24-এ তৈরি থাকো মোদি। ईस्टर्न हिमालयन ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा माटीगढ़ा के एक होटल में 7वां बंगाल ट्रेवल मार्ट एक कल से शुरू होने जा रहा है। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में सचिव संदीप्त घोष, अध्यक्ष देवाशीष मित्रा और अन्य सदस्यों ने संगठन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 9, 10 और 11 सितंबर को बंगाल मार्ट में इन 3 दिनों में करीब 150 स्टॉल पर देश विदेश के टूर कारोबारी अपने बिजनेस की जानकारी देंगे। इस बार नेपाल, बांग्लादेश समेत भारत के विभिन्न हिस्सों से उनके प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं। যেটা নর্থ ইস্ট এবং নর্থ ইস্টের সবচেয়ে বড় ডোমেস্টিক ট্রাভেল মার্ট, এবার 7th year আমরা সেলিব্রেট করব। কালকে থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের ট্রাভেল মার্ট, 9th থেকে 11th September মন্টানা ভিস্টা ক্লাবে। বেসিক্যালি বেঙ্গল ট্রাভেল মার্টের কনসেপ্ট হচ্ছে এটা একটা ডোমেস্টিক মার্ট, যেখানে আমরা প্রায় 120-130 জন বায়ারকে আমরা আনতে পারছি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, এবং বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, আমাদের নেবারিং কান্ট্রি থেকেও বায়াররা আসছেন। এবার তাদের সঙ্গে এখানকার যত লোকাল ট্যুরিজম স্টেক হোল্ডার আছে, হোটেলিয়াররা আছে, ট্যুর অপারেটররা আছে, ট্রান্সপোর্ট অপারেটররা আছে, এবং অ্যাক্সেসরি যত ট্যুরিজমের সাথে যুক্ত যত মানুষজন রয়েছে তাদের সঙ্গে বেসিক্যালি একটা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তাদের একটা ইন্টারাকশন আমরা করাই। এবং আপনারা সবাই জানেন করোনার পরে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাতে এই একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা মনে করি যে এই প্ল্যাটফর্মটা গতবারও আমরা ঠিক জাস্ট করোনার পরে ভারতের প্রথম
ট্রাভেল মার আমরাই করেছিলাম, যেখানে সাটে ওটিএম পিছিয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমরা সেটাকে ক্যান্সেল করিনি। গতবার আমরা বিএফএরে করেছিলাম এবং এবার অনেক পূর্বভাবে আমরা করছি এবং সবাই অনেক বড় বড় আপনারা প্রেস রিলিজ দেখতে পারবেন, অনেক যত বড় হোটেল গ্রুপ আছে সবাই সাপোর্ট করছে মার্কে। एक युवती से जबरन शादी और छेड़खानी करने का आरोप एक युवक पर लगा। मामला सिलीगुड़ी का है। मालूम हो कि युवती सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 38 के विवेकानंद कॉलोनी में एक ऑफिस में काम करती है। आरोप है कि शुभंकर सरकार बीते 6 सितंबर को युवती के ऑफिस में घुस गया और युवती पर और उसके पिता की जमकर पिटाई कर दी। युवती ने पूरे मामले की शिकायत भक्तिनगर थाने में की। आखिरकार 7 तारीख को रात को आरोपी युवक को आसीगढ़ चौकी के बोतल कंपनी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। आज आरोपी शुभंकर सरकार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। वहीं इसके जवाब में आरोपी शुभंकर सरकार के परिवार ने भक्तिनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। भू माफियाओं से जमीन खरीदकर 18 लाख की ठगी के शिकार हुए दंपति। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के अलीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास की है। मालूम हो कि एक दंपति ने कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों से 18 लाख रुपए में करीब 4 कट्ठा जमीन खरीदी थी। अब उस जमीन को खरीदने के बाद दंपति मुसीबत में पड़ गए। कुछ दिन पहले जब महकमा प्रशासन के माध्यम से नोटिस भेजा गया तो दंपति को जमीन सरकारी होने का एहसास हुआ। दंपति ने कई बार जमीन बेचने वाले से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। दंपति की मांग है कि जिन लोगों से उन्होंने जमीन खरीदी है वे उनके पास आए और जमीन का पैसा वापस कर दे। স্যার আমরা তো জানতাম না এটা মানে সরকারি জমিন, আমরা জানতাম না। যখন আমাদের জমি নেওয়া হয়েছিল তা আমাদেরকে তো কেউ বলেনি যে এটা সরকারি বা ভেস্ট লাইন। এখন যা হতো আমরা ভুল হয়ে গেছে, সরকার ভেঙে দিচ্ছে, সেটা আমাদেরও ভুল না ওনাদেরও ভুল না, ভুলটা আমাদের হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা জমিটা নিয়েছিলাম তখন আমাদের বলা হয়নি যে এটা ভেস্ট লাইন। তখন আমাদেরকে বলেছিল যার কাছ থেকে নিয়েছিলাম, আরও 3-4 জন ছিল, সবাই বলেছিল আমরা এটা নিয়ে কেস লড়েছি, আমরা কেসে জিতেছি, তার পরবর্তীতে আমরা জমিটা নিয়েছি। কিন্তু জমিটা নেওয়ার সময় আমরা ওনাদের বারবার বলেছিলাম, তোমরা বলছো কোনো অসুবিধা নেই, তোমরা জমিটা নিতে পারো। জমিটা যে নিয়েছিলাম ওনার নাম হচ্ছে রাজীব, আর যে নিয়ে দিয়েছিল ওনার নাম হচ্ছে মিজবাবুল। এনরা দুজন জমিটা নেওয়ার সময় ছিল। আজ যখন আমার একটা ভুল হয়ে গেছে কিন্তু আজ তার আমার পাশে কেউ নেই, কিন্তু জমিটা নেওয়ার সময় ওনারাই আমাদের জোর করে বলেছিল। আজ কারা এসে ভেঙে দিল? আজ সরকার থেকে এসে ভেঙে দিয়েছে। কি নাম আপনার? উষা মণ্ডল। এই যে আপনারই তো দুঃখ হয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আজকে আজকে এই যে জায়গাটা আছে, এই জায়গার জায়গা পাশে যে জমি আছে এটা হচ্ছে সরকারি খাস জায়গা। এই জায়গায় একটা প্রজেক্ট হবে আমাদের, এবং এই ভদ্রকে যে বাড়িটা এখন ভাঙা হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি ও যখন কল বসায় তখন থেকে ওকে বিআর অফিস এবং এস মানে বিডি অফিস থেকে বারবার মানা করা হয় যে এটা করবেন না, তার সাথে ও নিষেধ শুনে নেয় এবং ওকে 3-4 বার হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়, সেখানে ওকে মানা করা হয়। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টা জানে, জানা সত্ত্বেও ও সরকারি জায়গা অন্যায়ভাবে দখল করছিল এবং 3 দিন ওকে টাইম দেওয়া হয়েছিল যে আপনি এগুলো সরে নেন যাতে আপনার কোনো ক্ষতি না হয়। কিন্তু তার সাথে যখন সরে নেয় আজকে কোর্টের অর্ডারে বিডিও সাহেব এসছে, বিডিও ইসলামপুর ডিএসপি সাহেব এসছে নিজে স্পটে, বিএলআর অফিসটাও আছে, আমি এসডি অফিস থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আসি স্পটে। স্যার কোন এলাকা স্যার এটা? এটা হচ্ছে অলিগঞ্জ। অলিগঞ্জ सिलीगुड़ी वारीभाषा अंडरपास की जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग में स्थानीय निवासियों ने फिर से विरोध प्रदर्शन किया। वारीभाषा अंडरपास के पास वीआईपी रोड पर खराब सड़क को लेकर स्थानीय लोगों के बीच सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उस सड़क पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई, लेकिन फिर भी प्रशासन का कोई होश नहीं आया। स्थानीय निवासियों ने आज सुबह विरोध प्रदर्शन किया। यदि शीघ्र सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो क्षेत्रवासियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। टायर देखिए आदमी अपना क्रोध से जलाया है, कारण यहाँ डेली 5-6 एक्सीडेंट होता है, समझे ना। कभी किसी का चावल गिर गया, कोई महिला का हाथ टूट गया, किसी को पैर टूट गया, जो छोटे जो चलाने वाला आदमी सब है उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, समझे ना। रास्ता का हालत आप देख ही रहे किस पोजिशन का रास्ता है, चाहे किसी भी सरकार का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इसको तो सुधार करना चाहिए ना। अगर ऐसा सुधार तो पब्लिक को कितना बड़ा परेशानी होगा। बागडोगरा के ओवरब्रिज पर नशे की हालत में मिली अज्ञात महिला। सिलीगुड़ी महकमा के बागडोगरा बिहार मोड़ से 30 मीटर गुरुद्वारे के पास ओवरब्रिज पर नशे की हालत में एक अज्ञात महिला को पाया गया। स्थानीय महिलाओं की मदद से उस महिला को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कब से देख रहे हैं आप? जब मैं यहाँ पे आया स्कूटी लगाने के लिए तो मेरे को पिया हुआ हालत में मिला, मेरे को बोल रहा था उसको छोड़ दो। मैं बोला किस लिए छोड़ना, किसी को आलतू फालतू पिया खाया आदमी है,
क्यों छोड़ना है ना, तो मैं अपना काम से सामान लेने के चला गया। दारू पिया हुआ है क्या? दारू पिया हुआ था सर। घर आपका कहाँ बोला, उसका घर कहाँ है? उसका घर घोसपुर का नाम बोल रहा था। आपका नाम? मोहम्मद करीब। घर कहाँ है आपका? एमएस कॉलोनी। अब तक के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद।